हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 12 एंड 13 ऑफ दिस जीके क्लास। एंड बिकॉज ऑफ सम दिस प्रॉब्लम इन माय लैपटॉप, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस काइंड ऑफ वीडियो टू यू। आई होप यू ऑल वेल अंडरस्टैंड थ्रू दिस। आपका स्वागत है भाग 12 और 13 में। और लैपटॉप में कुछ खराबी आने के कारण जो है आपको इस तरीके का वीडियो हम दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत का संविधान जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबा संविधान, हाथ से लिखा हुआ संविधान है। आइए जानते हैं इसके बारे में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया नवंबर 26, 1949 में। मेन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द लोकसभा इज, लोकसभा की मेन स्टैंडिंग कमेटी जो है, आंसर इज बोथ द अबव। थर्ड वन, द वर्क ऑफ जनरल पर्पसेस कमेटी इज टू एडवाइस। जनरल पर्पस कमेटी का जो काम है वो है सलाह देना किसको, द स्पीकर। पी वी नरसिम्हा राव जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे कौन से नंबर के देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं, 10वें। फिफ्थ, फुल स्टेटहुड वॉज कन्फर्ड ऑन अरुणाचल प्रदेश बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरुणाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा जो है मिला है संशोधन के दौरान, और वो संशोधन है 55th संशोधन के दौरान संविधान में उसको ये पूरा दर्जा मिला। सिक्स्थ, इन इंडिया द गवर्नर ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय, भारत में गवर्नर जो है वो नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, आंसर इज बी। सेवेंथ, हाउ मेनी शेड्यूल्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली, हमारे संविधान में कुल कितने सत्र होते हैं, और वो है 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द हाउसेज, कौन से राज्य के विधानसभा में दो हाउसेज या कहा जाए कि दो सभाएं नहीं होती, आंसर इज तमिलनाडु। हु इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री, भारत में आपातकाल स्थिति बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसको नियुक्त कौन करता है, आंसर इज सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नोबेल प्राइज अवार्डीज, जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है उनके कामों के द्वारा, और उनके नाम और कब मिला और किस चीज़ के लिए मिला हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट वन, द फर्स्ट पिक्चर इज गिवन इन योर बुक इज रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 में इनको लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। सेकंड, सी वी रमन, एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930 में इनको भौतिकी के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। थर्ड, हर गोविंद खुराना, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 1968 में इन्होंने मेडिसिन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। फोर्थ इज मदर टेरेसा, एंड शी गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1979, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 1989 में। फिफ्थ, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ही गॉट
द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1983। इनको 1983 में फिजिक्स के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। एंड द लास्ट वन इज मिस्टर अमृत सेन, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 1998। इनको 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। आई होप यू ऑल वेल अंडरस्टैंड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।